आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। एनपीएस कर्मचारियों की भूख हड़ताल का 20वां दिन, शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना जारी। संयोजक रूप सिंह ने सरकार पर लगाए आरोप। हिमाचल न्यू पेंशन स्कीम महासंघ की बैनर तले कर्मचारियों की भूख हड़ताल के आज 32 दिन पूरे हो गए हैं। शिमला डीसी ऑफिस के बाहर बारी बारी से हर जिले के कर्मचारी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पूरी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी भूख हड़ताल पर अड़े हैं। एनपीएस कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को ना पूरा कर रही है और ना ही उनसे मिलने के लिए कोई सरकार का अधिकारी आ रहा है। इससे पहले सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी, लेकिन यह बात अभी तक भी सरकार की ओर से केंद्र सरकार से नहीं की गई है। एनपीएस सोलन के संयोजक रूप सिंह का कहना है कि सरकार प्रदेश के कर्मचारी के साथ धोखा कर रही है। हमें अपने भविष्य की चिंता है, ऐसे में हड़ताल करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार की ओर से ना तो बातचीत का कोई न्योता मिल रहा है और ना ही कोई अधिकारी मिलने के लिए आ रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार कर्मचारी हितैषी नहीं है और उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस भूख हड़ताल को और तेज किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।